नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नगर पंचायत रोहत के संदीपनी महाविद्यालय के परिसर में मनाया गया पुण्यतिथि। जांजगीर जिले के पामगढ़ ब्लॉक के नगर पंचायत रोहत के श्री संदीपनी महाविद्यालय के प्रांगण में स्वर्गीय डॉक्टर गीता प्रसाद गुप्ता जी का 37वां स्मृति समारोह, विशाल रक्तदान शिविर तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, साथ ही सर्वधर्म सम्मान भजन शास्त्रीय संगीत का आयोजन उनके बड़े सुपुत्र संतोष गुप्ता जी के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने गरीब महिलाओं और बुजुर्गों को साड़ी और कंबल वितरण किया व उनकी पत्नी अनीता देवी के पार्षद निधि से 50,000 के 2 वाटर कूलर रहोद में सिद्धिकुटी मंदिर और सैनिक स्टार पब्लिक स्कूल के लिए दिया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामकुमार पटेल, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ शासन एवं डॉक्टर लक्ष्मी देवी गुप्ता, विशिष्ट अतिथि श्री श्री 108 श्री गोपाल दास महाराज एवं हनुमान कुटी पुजारी श्री श्री श्याम सुंदर दास महाराज, बिलारी कुटी महंत रवि भारद्वाज शामिल रहे। इस कार्यक्रम के अवसर पर बालाजी ब्लड सेंटर बिलासपुर के सहयोग से निःशुल्क रक्तदान शिविर व स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर के डॉक्टरों दुष्यंत कुमार मेडिसिन मेडिमोन हॉस्पिटल बिलासपुर, डॉक्टर नरेश देवांगल लाइफ केयर हॉस्पिटल बिलासपुर, डॉक्टर दिनेश साहू दुर्गा देवी हॉस्पिटल शिवरीनारायण के द्वारा 200 लोगों का जांच किया गया एवं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर सुनंदा गोस्वामी व उनके टीम के द्वारा 80 लोगों का जांच व इलाज कर निःशुल्क दवाई वितरण किया गया। वहीं रक्तदान शिविर में 30 लोगों ने रक्तदान किया और श्री संदीपनी महाविद्यालय के संस्थापक संतोष गुप्ता ने सभी अतिथियों, डॉक्टरों, शिक्षक सहित शिवरीनारायण प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरली नायर को मोमेंटो और प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ जिला ब्यूरो चिपगुरा राजनगर की रिपोर्ट। आज के शिविर में हम लोगों ने हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहत की तरफ से जो है स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 147 मरीज का बीपी शुगर जांच करके उनको दवाई दिया गया है। निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क रहा बीपी शुगर का। हम लोग करीब 47 लोग का जो है बीपी शुगर का निःशुल्क जाँच किए हैं और दवाई दिए उनको। हाँ, 100% है, सत्य है कि हमने जरूरतमंद को सभी को ही जिनको जरूरत उनको दवाई भी वितरण किए हैं।